हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जो परिवहन होता है उसमें अवैध खनन, अवैध परिवहन को रोकने के लिए हम लोग जांच करते रहते हैं, समय समय पर हमारे कार्रवाई करते रहते हैं। लेकिन आज एक संयुक्त कार्रवाई हमने की है जिसमें CO बिजनौर, SDO बिजनौर, RTO बिजनौर और एक खनन विभाग के अधिकारियों की कार्रवाई थी। उसमें हमने जाँच के समय में 15 व्हीकल को अवैध खनन, अवैध परिवहन करते हुए खनिज का पाया गया और उनको पकड़ के सुपुर्दगी में दे दिया गया, जिसपे विभाग की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। खनन माफिया गिरफ्त में आया आपकी? खनन माफिया एक्चुअली खनन को परिवहन करते हैं, वो खनन माफिया, खनन हमारे यहाँ पे खनन नहीं है तो उनको खनन माफिया नहीं कहा जा सकता, ये परिवहन करने वाले छोटे छोटे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। तो कोई ड्राइवर पकड़ा गया या फरार हो गया, कैसे हुआ? ड्राइवर को पकड़ना हमारी कैपेसिटी में नहीं है, हम व्हीकल को ही, हमारा दंड जो दिया जाता है वो आर्थिक दंड जो दिया जाता है वो उस खनिज की मात्रा पे दिया जाता है। तो उस जो हमारे नियमावली में उस व्यक्ति को दंड देने का, परिवहन जो कर रहा है उसके चालक को दंड देने का कोई प्रावधान नहीं है।